जोशीमठ में भू धसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग बहुगुणानगर सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाली 50 से अधिक परिवार की भी अब दहशत में वो लोग हैं। यहाँ मकानों की दीवारें और आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ गई है, साथ ही मकानों की छत आपदा का दर्द बयां कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार की हालात जो है यहाँ के मकानों की हुई है। इस भाग में बरसात के दौरान तेजी से भू धसाव हुआ, जिसके चलते बहुगुणा नगर में 50 से अधिक घरों में भू धसाव के चलते बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को बरसात के समय रात गुजारना मुश्किल हो जाता है। बीते 2 साल से बहुगुणा नगर के इन मकानों में मोटी मोटी दरार पड़ना शुरू हो चुकी है। हालात ये है कि यहाँ कहीं लोगों ने अपने मकानों को छोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश परिवार खौफ के साए में टूटे हुए मकान में भी रहने को मजबूर है। हालात ये है कि भू धसाव के बाद भी प्रशासन व आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। कि जरा यहाँ ध्यान दिया जाए, मंडी की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, हम लोगों को बचाने की कोशिश किया जाए। बरसात में हम कहाँ जाएंगे, रात रात भर दिन नींद नहीं आ रही है, सारा जो भी था वो इस मकान पे लगा चुके हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे बोलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई प्रशासन वो कुछ भी हो, चाहे उत्तराखंड सरकार चाहे कुछ भी हो, जो भी आता है ये बोलता है तुम्हारा तो मंडी की वजह होता है। अब मंडी या मंडी वाले जाने या प्रशासन जाने, आज तक तो इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था यहाँ, न नाली की व्यवस्था ठीक न कुछ। आज नाली बना रहे हैं, कल नीचे से पानी नीचे धस जा रहे हैं। इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए।